हरियाणा प्रदेश की मनोहर सरकार सिस्टम को भ्रष्टाचार मुक्त करने के दावे करती नहीं थकती। उसी सरकार के सिस्टम को सरकार के ही अधिकारियों ने भ्रष्टाचार से खोखला कर दिया है। ताजा मामला फतेहाबाद की जिला आईटी सोसाइटी का है, जिस जिला आईटी सोसाइटी का काम जिले के बीपीएल परिवारों और पंचायतों को डिजिटल साक्षर करने का था, लेकिन वो अपने भारी भरकम फंड को इधर उधर एडजस्ट करने में ही लगी रही। कम से कम जिला आईटी सोसाइटी की पिछले 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट में तो यही खुलासा हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट के कागजों की माने तो फतेहाबाद जिले में 3 वित्तीय वर्ष 2014 से लेकर 2017 तक जितने भी डीसी आए वो लगातार 3 सालों तक रोजाना 120 किलोमीटर इनोवा गाड़ी में घूमते रहे। इतना ही नहीं, इन 3 सालों में आए सरकारी अवकाश और उनके निजी अवकाशों के दौरान भी ये इनोवा गाड़ी सड़कों पर दौड़ती रही। हाँ, ये बात अलग है कि जिले के किसी भी डीसी को स्थानीय लोगों या अधिकारियों ने इनोवा गाड़ी में निरीक्षण आदि पर जाते नहीं देखा। इसका सीधा सा मतलब है कि उनके लिए DITS की इनोवा गाड़ी कागजों में ही दौड़ती रही और 3 साल में डीजल बिल की आड़ में 7 लाख को ठिकाने लगा दिया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए RTI कार्यकर्ता सुशील बिश्नोई ने बताया कि वित्त वर्ष 2014 से लेकर 2017 तक डीसी की इनोवा गाड़ी पर 7 लाख का डीजल एवं रिपेयरिंग खर्च आया है। दूसरी ओर हैरानी की बात तो ये है कि पिछले 1 साल में जिला आईटी सोसाइटी ने एक भी पंचायत को डिजिटल साक्षर करने के लिए एक कैंप तक नहीं लगाया। मैंने सर NICA विभाग में DITS संस्था है जिसके डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन है, उसमें आम लोगों को सुविधा देने की बात की गई है ऑनलाइन। उसमें भर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, लर्निंग लाइसेंस बनवाते हैं। उसके अंदर मैंने RTI लगाई तो RTI में मुझे पता लगा कि जो यहाँ पैसे लिए जा रहे हैं जनता से, उस जनता का पैसे का एक भारी दुरुपयोग हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर के पास इनोवा गाड़ी बताई गई, उसमें 3 साल के ऑडिट में 7 लाख का तेल जला हुआ दिखाया गया है और अन्य भी बहुत बड़े खुलासे हैं जो कि मेरी DITS में कि RTI मिला। पहले मैंने RTI लगाई थी, इन्होंने मेरे को जवाब देने से मना कर दिया कि आपके इसके जवाब नहीं दिया जा सकता। फिर मैंने डी साहब के अपील की तो अपील के अंदर मुझे 7-8 पॉइंटों का जवाब मिला, उन जवाब में मेरे को ये मिला है। तो ये गाड़ी अभी आपने देखी नहीं? देखी है ना, किसी जनता ने गाड़ी देखी है ना, किसी आम आदमी ने देखी है ये गाड़ी। मैं दो ऑडिट में ये 7 लाख का तेल चलाओ दिखाया गया है। कितने सालों में दिखाया है ये? 3 साल में दिखाया। खुलासे काफ़ी कंप्यूटर्स के, फर्नीचर्स के, स्टेशनरी के और आम जनता को फर्क दे रखे हैं। उसमें पर पेज 40 रुपये लेते हैं, पर आगे 5 रुपये लेते हैं और एक बाल विभाग का कर्मचारी बैठा रखा है वो 10 रुपये लेता है। विभिन्न प्रकार के खर्चे लिए जाते हैं, फिर ऑनलाइन फर्क नहीं मिलती, फिर भी उसको पटवारी के चक्कर काटने पड़ते हैं। पटवारी के चक्कर काटने के बाद उसको 3 दिन बाद जाके फर्क मिलती है, जबकि पहले इससे आसान मिलती थी। हम सरकार का कहना है कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन बिल्कुल नहीं है, आम जनता के साथ धोखा है। 7 लाख का तेल जब भी चल सकता है कि रोज 100 किलोमीटर या 125 किलोमीटर गाड़ी चले, जबकि 100-125 किलोमीटर चले उसमें छुट्टियां भी आती है और आती है तो 150 किलोमीटर की एवरेज पड़ती है। क्या एक अधिकारी 150 किलोमीटर गाड़ी में बैठता है तो क्या वो काम करता होगा? क्या डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद में 150 किलोमीटर गाड़ी चल सकती है? ये विभिन्न क्वेश्चन है। तो सब कुछ हुआ होगा, उसका भी खर्चा अलग से सर्विस दिखाई गई है, अलग खर्चे दिखाए गए हैं। दो व्हीकल और भी दिखाए गए हैं जो जिनका कोई नाम पता नहीं है किस प्रकार के व्हीकल है। अभी मेरे को सिर्फ ऑडिट की कॉपी मिली है, उसके बाद मैंने अभी RTI अगली लगाई है, उसमें सारे कुछ खुलासा होगा।